हम लोग चैप्टर की इंडस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं, किससे ब्लॉग कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉग एलिमेंट्स, ठीक है। टॉपिक क्या पढ़नी है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ने से पहले कुछ जरा चीजें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इसका। देखिए मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सबसे पहली बात, मेटलर्जी किसे कहते हैं, ओर किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं। ओर और मिनरल दोनों क्या होते हैं, मेटालिक मिक्सचर। ओर और मिनरल दोनों क्या होते हैं, मेटालिक मिक्सचर। इफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर मेटालिक मिक्सचर इज फिजिबल, दिस टर्म्ड एज ओर। लेकिन इफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर मेटालिक मिक्सचर इज नॉट फिजिबल इज देयर मिनरल, ठीक है। अगर मेटालिक मिक्सचर में से मेटल को निकालना फिजिबल है, फायदा हो रहा है इसमें, दो चीज हमारे लिए और है। लेकिन अगर मेटल में मेटलिक मिक्सचर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हमें कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिशियल नहीं है और ये प्रॉफिट फिजिबल नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारे पास मिनरल, ठीक है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी ऐसी आर्ट एंड साइंस होती है जिसमें हम किसी भी ओर में से जो मेटालिक मिक्सचर मौजूद है उसमें से अपने डिजायर्ड मेटल को अलग कर लें, ठीक है। अब डिजायर्ड मेटल को अलग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग लोअर क्लासेस पढ़ के आ चुके हैं। अगर हमें किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है तो कुछ प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस होती हैं या प्राइमरी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टेप्स के अंदर सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। पहले मैं समरी दे दूं आप लोग इसके, देन इसके बाद चलते हैं इस स्टेप्स के ऊपर, कॉपर की मेटलर्जी। नंबर वन, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, ये एक फिजिकल मेथड है। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर दो मेथड होते हैं, एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, अगर ओर वेट फॉर्म में होगी तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अगर ओर ड्राई फॉर्म में होगी तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड। ज्यादातर जो सल्फाइड ओर होती है वो वेट फॉर्म में होती है, और यहां पर हम जो इस्तेमाल करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए वो प्रोसेस होगा फ्रोथ फ्लोटेशन, समझ देखेंगे। सेकेंड रोस्टिंग, अब डिटेल में पढ़ते हैं पहले इसको। सेकेंड रोस्टिंग, रोस्टिंग में रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ही केमिकल फेनोमेना है जिसमें ना सिर्फ जो ओर होगी उसमें मौजूद मेटल रोस्ट हो जाएगी, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बल्कि उसके अंदर जो केमिकल इंप्योरिटीज होगी वो भी कन्वर्ट किस हो जाएगी, अपने वोलेटाइल ऑक्साइड के अंदर। थर्ड स्टेप होता है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के अंदर जो ओर हासिल होगी उसको कहेंगे स्मेल्टिंग ओर, ठीक है। स्मेल्टिंग के बाद प्रोसेस होता है रिडक्शन, ठीक है, और यहां पर वो पढ़ेंगे हम लोग बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। रिडक्शन से जो मेटल मिलेगा वो होगा तकरीबन 99% प्योर, या हम उसको कंसीडर करेंगे एज इम्प्योर। उसके बाद मजीद रिफाइनिंग की जाती है, मगर टोटल अगर सप्राइज किया जाए तो पहला स्टेप क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, जो ओर निकल के आएगी उसको हम कहेंगे कंसेंट्रेटेड ओर। सेकेंड स्टेप क्या है, रोस्टिंग, वो कहलाएगी रोस्टेड ओर। थर्ड स्टेप स्मेल्टिंग, वो कहलाएगी स्मेल्टेड ओर। और फोर्थ स्टेप रिडक्शन, उसमें बेसिमर कन्वर्टर के जरिए होगी, दिस प्रोसेस नोन एज बेसिमराइजेशन, और उससे जो मेटल निकल के आएगा वो तकरीबन 99% प्योर होता है। उसके बाद हमें इसकी मजीद रिफाइनिंग करवानी हो तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो जाएगी। यहां पर हमारे पास जो कॉपर की ओर है वो बहुत सारी ओर से फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, लेकिन जिस ओर से हमें अलग करना है वो कौन सी, कॉपर पाइराइट, CuMPS, ठीक है, CuMPS टू कॉपर पाइराइट ओर है, ठीक है। तो इस ओर से हम लोग कॉपर को अलग करेंगे, इसमें हमारा डिजायर्ड मेटल कौन सा है, डिजायर्ड मेटल है कॉपर, तो कॉपर को अलग करेंगे और कॉपर की आखिर में रिफाइनिंग करनी है। इसके अंदर पहली बात फिजिकल इंप्योरिटीज भी होगी, यकीनन इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और सेकंड केमिकल इंप्योरिटीज भी होगी, इसमें आर्सेनिक और स्टिप्निट जो आगे देखेंगे रिमूव कैसे होगी, एएस आर्सेनिक और स्टिप्निट एंटीमनी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास केमिकल इसके अंदर इंप्योरिटीज पाई जाती है, और फिजिकल जो इंप्योरिटीज होंगी वो स्टेप नंबर 1 में रिमूव हो जाएगी बाय फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो कॉपर पाइराइट ओर है इसके जरिए जो कॉपर हासिल होगा वो तकरीबन 4-6% होता है, ये भी बहुत है, मतलब बाकी रिमेनिंग अलग वेस्टेज प्रोडक्ट होगा वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, कॉपर। तो जो ओर लेंगे कॉपर पाइराइट इसमें 4-6% कॉपर होगा। दूसरी बात, इसमें फिजिकल इंप्योरिटीज भी होंगी और केमिकल कौन सी होगी, आर्सेनिक और स्टिप्निट।
तमाम इंप्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज जो मेटल मिलेगा वो हाई प्योरिटी ग्रेड का नहीं मिलेगा, ठीक है। और कॉपर एक ईंधन एक हमारे लिए प्रीशियस मेटल है, जिसको ना सिर्फ कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, बल्कि वायर फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें जितनी ज्यादा प्योरिटी होगी उतना अच्छा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप्स के। तो स्टेप नंबर वन, देखिए स्टेप नंबर वन मेटलर्जी का क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर दो मेथड है, प्रोब फ्लोटेशन प्रोसेस झाक के प्रोसेस से, और सेकंड मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड, मतलब बाय मींस ऑफ मैग्नेट। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रोब फ्लोटेशन प्रोसेस। जो कॉपर पायराइट ओर है ये डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा, ये वेट फॉर्म में होगी। और दूसरी बात है सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर ज्यादातर वेट स्टेट में पाई जाती है, और जो क्लोराइड ओर से किन स्टेट में पाई जाती है, ड्राई फॉर्म के अंदर। हमारे पास इनिशियली जो कॉपर पायराइट है CuFeS2 वो हमारा फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है, जब जमीन से वो मादनियाब निकाली गई चट्टान की फॉर्म के अंदर, रॉक की फॉर्म में, उसके अंदर कॉपर था, ठीक है। अब जब इसमें कॉपर है, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट इसमें देखा, ठीक है, ये ओर निकाली जा रही है जमीन से, ये जमीन से ओर निकाली जा रही है, इसमें लग रहा है कि अजीब सी कोई चट्टान है, उसके ऊपर कोई प्रीशियस सब्सटेंस लगी हुई। अब ये क्या है कॉपर है, असल में ये कन्वर्ट किसमें होगा इसमें, ठीक है, ये मेटलर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं इस ओर को किसमें, इस प्योर मेटेलिक फॉर्म के अंदर, ये आइसोलेटेड फॉर्म जो एक्सेशन के बाद प्योरिटी के अंदर आ जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें इनिशियली इस फॉर्म के अंदर, रॉक फॉर्म के अंदर क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है एक मेटालिक मिक्सचर, जिसमें से हम अपने डिजायर्ड मेटल को अलग करना है। जब उसको चार स्टेप से गुजारेंगे तो हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर हासिल होगा, और आखिर में प्योर होने के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी रॉक की फॉर्म है ही, ठीक। तो स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर वन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एक बड़ा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर क्या क्या मौजूद है, उस कंटेनर के अंदर वाटर मौजूद है विद पाइन ऑयल, ठीक है, वाटर है पाइन ऑयल है, और इसके अंदर फाइन ओर डालेंगे, फाइन ओर फाइनली डिवाइडेड या क्रश ओर, एक ही बात है। फाइन ओर का मतलब हम जो ओर मिलेगी उसको लम्स की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें यकीन बैफल्स लगे हुए, जैसे मशीन में बैफल्स लगे होते हैं, ये रोटेट करेंगे, इसमें एयर पास की जाएगी। अब ओर जो होगी पानी का सॉल्वेंट तो होगी नहीं, जो ओर होगी वो पाइन ऑयल के साथ फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये ओर फ्रोथ की फॉर्म में क्या आ गई, ऊपर आ गई, आ गई सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स। अब यकीनन ये जो हमारे पास ओर थी इसमें रॉकी पार्टिकल्स भी होंगे, पत्थर भी होंगे, ठीक है, रॉकी पार्टिकल्स भी होंगे, ये रॉकी पार्टिकल्स, ये रॉकी पार्टिकल्स हैवी होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, इसको कहेंगे गैंग्रीन, और ये एड करती है ऐसा इंप्योरिटीज, ये एड करती है ऐसा इंप्योरिटीज। स्टेप नंबर वन जस्ट एक फिजिकल मेथड है, देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। कॉपर पायराइट CuFeS2 इस फॉर्म में था, जब इसको कंसंट्रेटेड टावर के अंदर डालेंगे तो जो ओर हासिल होगी वो इस फॉर्म में हासिल होगी CuFeS2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये साफ सुथरा लग रहा है, उसके अंदर क्या लग रहा है, डस्ट पार्टिकल लग रहे हैं बस। तो इसका मतलब स्टेप वन में कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया, जिसमें वॉटर पाइन ऑयल और क्रश ओर इन तीनों को मिक्स करने के बाद एयर पास की विद द हेल्प ऑफ बैफल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स से ओर की फॉर्म में ऊपर आ गए, ठीक है, उसको हमने सेपरेट कर लिया, वो किसका कहलाएगी, कंसंट्रेटेड ओर। द ओर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर के बाद हमारे पास यहां पर जो रॉकी फॉर्म में पार्टिकल सेटल डाउन हो गए एक्ट एज इंप्योरिटी नोन एज गैंग्यू पार्टिकल्स, इसको क्या कहेंगे हम लोग, गैंग्यू पार्टिकल्स कहेंगे। तो इस स्टेप नंबर वन कंप्लीट, अभी इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं, ठीक है। कॉपर का स्टेप नंबर टू क्या हमारे पास, रोस्टिंग ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप जो ओर हमने स्टेप वन से पास की वो क्या थी, वो कॉपर पायराइट थी, स्टेप वन था आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो जो ओर निकल गया है वो कहलाएगी कंसंट्रेटेड ओर।
कंसंट्रेटेड ओर किसमें डाली जाएगी? रोस्टर। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोस्टिंग कंबस्टन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारे पास CuFeS इस फॉर्म में मौजूद है, इसमें हमारे पास दो मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक कॉपर मेटल, एक आयरन मेटल और एक सल्फर क्या है, नॉन मेटल। कह रही को इसके अंदर दो इंप्योरिटीज भी मौजूद है। दो इंप्योरिटीज कौन कौन सी है? आर्सेनिक और स्टिफनेट। आर्सेनिक स्टिफनेट दो इंप्योरिटीज, ठीक है, और सल्फर नॉन मेटल, कॉपर और आयरन मेटल। कहने को वैसे इसके चार पांच प्रोडक्ट बनेंगे। किस तरीके से? इसमें मौजूद कॉपर है, कॉपर का सल्फाइड बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। इसमें आयरन है, आयरन का सल्फाइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। और सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड। इसका मतलब कॉपर के दो प्रोडक्ट, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। आयरन के दो प्रोडक्ट, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड। सल्फर का एक प्रोडक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। कहने को इसके बने पांच प्रोडक्ट, लेकिन ये एक साथ रिएक्शन तो होगा ही नहीं। जैसे अकॉर्डिंग टू हेजिस लॉ तमाम रिएक्शन साथ में नहीं होते, इंडिविजुअल आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होंगे। पहले क्या हुआ? पहले कॉपर और आयरन, इनके बनेंगे सल्फाइड और सल्फर का बनेगा ऑक्साइड, तीन प्रोडक्ट बन गए। इसमें जो सल्फर मौजूद है, इसका भी, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। इसमें जो दो इंप्योरिटीज थी, आर्सेनिक स्टिफनेट, आर्सेनिक की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, वैलेंसी इंटरचेंज As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। इस तरह Sb2O3 स्टिफनेट ऑक्साइड, और ये कहलाते हैं वॉलेटाइल ऑक्साइड। वॉलेटाइल इंप्योरिटीज कहलाती है ये। जो इसमें इंप्योरिटीज थी वो केमिकली रिमूव कर दी गई। वॉलेटाइल इंप्योरिटीज क्यों? क्योंकि गैसीय स्टेट में, तो जितने भी हम कहें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैसियस। वॉलेटाइल इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज हैं और गैसियस फॉर्म में निकल के आ रही। तो यहां पर आर्सेनिक स्टिफनेट ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, कॉपर आयरन का सल्फाइड। अब कॉपर और आयरन का सल्फाइड हुए, ये मजीद इसमें चेंज होंगे ऑक्साइड के अंदर। इसमें कॉपर का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। इसका मतलब हमारे पास जब ओर की रोस्टिंग हो जाएगी तो ओर क्या हासिल होगी? रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर में क्या क्या चीजें रिमूव हो चुकी है? सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, स्टिफनेट ऑक्साइड। क्या रह गया है अगर हम देखें और से एक तरीके से, तो इसमें हमारे पास कॉपर का सल्फाइड बचा हुआ है, कॉपर का ऑक्साइड रिमेनिंग है, आयरन का सल्फाइड है, आयरन का ऑक्साइड है। ये चार चीजें हैं, ठीक है। पहले देखने में लग रहा है कि हम 100% ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गई। 100% ऑक्साइड में कन्वर्जन, किसी भी चीज में रिएक्शन 100% कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियली क्या था? CuFeS2। जब CuFeS2 की रोस्टिंग करवाई गई, इसमें से केमिकल इंप्योरिटीज कौन सी निकल की गई है? आर्सेनिक और ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। वॉलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। सेकंड, जो हमारे पास यहां पर ओर हासिल हुई वो कहलाएगी रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर कंटेन फोर प्रोडक्ट्स, तो कॉपर के दो, आयरन के, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड। इससे पहले क्या था हमारे पास? CuFeS2। CuFeS2 से ये चीज हासिल हो गई। ये हो गया स्टेप नंबर टू। अब इसके अंदर हमारे पास डिजायर्ड चीज क्या होगी? डिजायर्ड है हमारे पास कॉपर। इसका मतलब आयरन, यकीनन आयरन भी एक तरीके से स्टील मिल वगैरह के अंदर, या वो तमाम इंडस्ट्रीज, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि आयरन को ऐसा रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल है। इसके लिए क्या होगा? वेस्टेज होगा। यहां पर आयरन वेस्टेज होगा, एक वेस्टेज लेयर है जो आगे अलग करेंगे। कॉपर हमारे लिए डिजायर्ड लेयर है, पहले कॉपर को अलग करना है, कॉपर को प्योर करना है। तो स्टेप नंबर टू के बाद हमने एक कंपाउंड को चेंज कर दिया उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर, दो कॉपर दो सल्फर, एक सल्फर का, एक कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का ऑक्साइड, आयरन का सल्फाइड, आयरन का ऑक्साइड। तो स्टेप नंबर टू के अंदर कोई मसला आया उन लोगों को सवाल करने में, बट सिंपल वर्ड में कंसंट्रेटेड ओर को रोस्टिंग में डाला गया। और रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो रोस्टेड ओर बची है, वो रोस्टेड ओर क्या चीज है? वो रोस्टेड ओर कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड आयरन सल्फाइड एंड ऑक्साइड। वैसे हमें भी ऑक्साइड की जरूरत है, क्यों? उधर आगे देखेंगे, अभी स्मेल्टिंग प्रोसेस पे आते हैं। मेटलर्जी ऑफ कॉपर का थर्ड स्टेप, मेटलर्जी ऑफ कॉपर का थर्ड स्टेप स्मेल्टिंग ऑफ ओर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर का थर्ड स्टेप स्मेल्टिंग ऑफ ओर। स्मेल्टिंग ऑफ ओर का रॉ मटेरियल क्या होगा? रोस्टेड ओर, ठीक है। स्मेल्टिंग ऑफ ओर का रॉ मटेरियल क्या होगा? रोस्टेड ओर। अच्छा, स्मेल्टिंग के लिए पहले हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, एक इस्तेमाल करेंगे कोक, मतलब कार्बन, और सेकेंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन दोनों का बेसिक पर्पस क्या है?
नंबर वन कोक का बेसिक पर्पस टू इंक्रीज टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाएंगे, जलाएंगे इसको, ठीक है, स्मेल्टिंग, इसके अंदर कार्बन को इस्तेमाल करेंगे टू इंक्रीज टेम्परेचर, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे टू रिमूव इंप्योरिटीज, टू रिमूव इंप्योरिटीज। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो अनवांटेड मेटेलिक ऑक्साइड होगा उसको एब्जॉर्ब करके सिलिकेट की लेयर बनाएगा, तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा अनवांटेड लेयर, इसको हम कहेंगे स्लैग। आगे देखते हैं, पहली बात हमारे पास यहां पे क्या होगा, इनिशियली आयरन का सल्फाइड और आयरन का ऑक्साइड। देखें कॉपर की दो चीजें थी, कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का ऑक्साइड। जो हमारे पास स्मेल्टिंग ओर है, स्मेल्टिंग ओर में चार चीजें आई थी, क्या क्या भाई, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहले इसमें क्या होगा, जो 50% FeS है उसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट किसमें होगा, FeO। अब जो 100% FeO हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज एबिलिटी टू रिएक्ट विद फेरस ऑक्साइड टू फॉर्म एडिटिव प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट क्या बन गया, आयरन सिलिकेट, ये क्या बन गया भाई, आयरन सिलिकेट, और ये अनवांटेड लेयर है, इसको कहेंगे स्लैग, क्या कहेंगे इसको, स्लैग। इसका मतलब ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर द इंप्योरिटी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट इज कॉल्ड स्लैग। यहां पर अब दो लेयर्स फॉर्मेशन होंगी, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। लोअर लेयर अनवांटेड लेयर आयरन सिलिकेट विच इज कॉल्ड स्लैग, एंड अपर लेयर, अपर लेयर में क्या है, कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का ऑक्साइड, इसके तीन नाम हैं। पहला नाम स्मेल्टिडोर, पहला नाम आसान सा स्मेल्टिडोर, ठीक है, स्मेल्टिडोर ऊपर है, स्मेल्टिडोर फर्स्ट नेम, स्मेल्टिडोर सेकंड नेम मैट, और थर्ड नेम रिचो, ठीक है। यानी के स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो कॉपर का सल्फाइड ऑक्साइड अपर लेयर में हासिल होगा उसको हम कहेंगे मैट, MTT मैट, क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस से गुजरा है, स्मेल्टिडोर, और थर्ड क्या कहेंगे इसको हम लोग, रिचो। जो डाउनवर्ड लेयर है, जो बॉटम में हासिल हो रही है, वो अनवांटेड आयरन के सिलिकेट की है, जिसको हम क्या कहेंगे, आयरन सिलिकेट और स्लैग, और ये एक्ट करेगी एज इंप्योरिटी, स्लैग एक्ट एज इंप्योरिटी इन स्मेल्टेड प्रोसेस। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास जो चीज हासिल हुई है वो क्या, स्मेल्टेड ओर, स्मेल्टेड ओर को हम कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर कॉपर मेटल, ठीक है। लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी बिफोर रिफाइनिंग इज रिडक्शन। यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, ये जिस कन्वर्टर में होगी उसको कहते हैं बेसिमर कन्वर्टर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बेसिमराइजेशन। इनिशियली हमारे पास बेसिमराइजेशन या रिडक्शन का रॉ मटेरियल क्या है, रोस्टेड हो या स्मेल्टेड, स्मेल्टेड हो, क्योंकि स्मेल्टेड से पहले आगे क्या है, स्मेल्टेड हो, स्मेल्टेड ओर में क्या क्या मौजूद है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। पहले ये होगा इनिशियली जो हमारे पास मैट है वो गोल्डन स्टेट में होगा, पिघली हुई हालत में, मोल्टन मैट की ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल वर्ड में इस तरीके से मोल्टन मैट में से ब्लास्ट ऑफ एयर पास किया जाएगा, ब्लास्ट ऑफ एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, तो जो उसमें कॉपर का सल्फाइड है वो किसमें चेंज होगा, कॉपर का ऑक्साइड। अब जो कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का ऑक्साइड दो हमारे पास इसके अंदर रिएक्टेंट थे, वो आप इसमें रिएक्ट करेंगे, कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का ऑक्साइड, जस्ट सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये सल्फर डाइऑक्साइड अलग, जो कॉपर अलग होगा उसकी परसेंटेज होगी 99%। कॉपर क्योंकि मोल्टन स्टेट में हासिल होगा, पिघली हुई हालत में, अब जो कॉपर हासिल हुआ हमारे पास वो मोल्टन स्टेट में, सल्फर डाइऑक्साइड इसकी सरफेस पर पोर बनाते हुए बाहर एस्केप होगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड पूरी एक कंटेनर में से जिसमें कॉपर भरा हुआ मोल्टन स्टेट में, उसमें पोर में से एस्केप हो जाएगी यहां पर। अब जो हमारे पास कॉपर मोल्टन से सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा तो इसकी सरफेस पे लगेगा हमें ब्लिस्टर पड़ेगा, क्या है भाई, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर किसे कहते हैं, पोर्स को या छालों,
तो ब्लिस्टर कॉपर ये हासिल होगा हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर विच इज 99% प्योर, लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे एज इम्प्योर। तो ब्लिस्टर कॉपर जो हासिल होगा हमारे पास ये हमने मेटलर्जी ऑफ कॉपर कंट्रोल ही, लेकिन जो कॉपर हासिल हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है 99%। अब अगर हमें इसको मजीद 99 से 99.9% में कन्वर्ट करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप की एडिशन करवा लेते हैं, वो कौन सा है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर के बाद रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर तो कर ली हमने यहाँ, ठीक है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर अगर 99% तक करना है तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। अब अगर इसमें कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।